गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सुबह की मॉर्निंग काम के साथ बने रहिए हमारे साथ। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मॉर्निंग में माता श्री बच्चों को उठाती रहती हैं। दो बार इन बच्चों को मैं उठा चुका हूं, लेकिन इनकी नींद गहरी है और ये नींद में से उठने को रेडी नहीं है। सही बात है यार, इतना क्यों सुनना पड़ता है इनको, इतना क्यों कहना पड़ता है। तो खैर, बच्चे तो अभी सोते रहेंगे। इधर छोटा वाला जो है मेरा, यहाँ पे सो रहा है मस्त होके, लेकिन इसे पता नहीं है इतनी मस्ती में हमारी गाड़ी छूट जाएगी। बेटा चलिए 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 आइए। यहाँ आज बनाया है इन्होंने पनीर की सब्जी बनाई है, कढ़ाई पनीर स्पेशली, और बहुत तेज़ी से लगी हुई है क्योंकि मॉर्निंग का जल्दी का टाइम है। और भैया फटाफट फटाफट काम को ख़त्म करने को अंजाम दिया जा रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी स्पीड है यार तुम्हारी तो, इतनी सर्दी में भी। सर्दी कहाँ हो रही है, बारिश आई तब से कम हो गई, मुझे तो ऐसे कम सी लग रही। अच्छा, तो गाइज बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। एज यूजुअल मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग में बाहर का नज़ारा देखना और आपको दिखाना। देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है और बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आते हुए। क्यों कोको, कोको कहाँ है हमारा? आज कोको मेरे साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये मेरा गार्डन मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग गार्डन। ये देखो भैया ये खड़ा, ये बहुत ज़्यादा चिरकैटा हो गया है, मम्मी के पास पनीर खा रहा था। हाँ बेटा, हमसे बात नहीं करते आजकल आप, क्यों? मैं गुड मॉर्निंग बोलने आया हूँ, बहुत प्यारा वाला गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सभी दर्शकों को, और सभी दर्शकों को बहुत बड़ा वाला जय श्री राम भी बोल देना मेरी तरफ से, सतरिया काल बोल देना, आदाब भी बोल देना। ठीक है बेटा, आपकी तरफ से सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, सतरिया काल, जय श्री राम, आदाब, शुभा, मीन समथिंग समथिंग, जो भी होता है सब कुछ। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हारे हल्के के चक्कर में कई बार कड़वा हो जाता है। ठीक है, खाना पैक कर दो। यहाँ पीनट बटर लगाया जा रहा है बच्चे को, और बच्चे लगा लेना अपने ब्रेड पे। मेरे ब्रेड के लिए पीनट बटर आया है भाई, तो आज मुझे खाना है पीनट बटर के साथ चाय और ब्रेड। चलिए भैया, बहुत बढ़िया शुरुआत हो चुकी है और दिन बहुत अच्छा। अभी 8:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, हम निकलेंगे ऑफिस के लिए और बच्चे को ले चलूँगा, उसको छोड़ूंगा मैं स्कूल। तो फिलहाल चल पड़े हैं। बेटा गेट बंद कर दो, गेट बंद करो, विंडो बंद करो। कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओगे, पहले विंडो बंद कर दो, गुड बॉय। तो फिलहाल नए दिन की शुरुआत करते हुए बोलो जय श्री राम और दर्शन करिए मेरे हनुमान भगवान के भी, और दो दो हनुमान मैंने यहाँ बैठा रखे हैं, और तीसरा मेरा राम भक्त है, हनुमान भक्त है, और सामने मंदिर है, दर्शन करिए। आप ही निकल चले हैं, एग्जिट से होते हुए हम निकल रहे हैं। तो गाइस देखो, पानी आ चुका है पार्क में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हुई थी कल और परसों बारिश। तो गाइस हम टाइम से निकल तो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इधर की साइड दिखाओ वत्सल, कितना हमारे सामने जाम है, और जब भी मैं वत्सल को लेके जाता हूँ तो जाम का हमें सामना करना पड़ता है। खैर आप बने रहिए और देखते रहिए, अपना ही चैनल है हिंदी ब्लॉग चैनल लाठी वाला। थैंक यू। शाम के 8 बज चुके हैं, घर आके लगा हूँ, और यहाँ पे देखते ही देखते घर में जो है काम शुरू हो गया है। अभी ऑयल गर्म किया जा रहा है और आज चंपी की जाएगी, पता नहीं किसकी, ये तो पता नहीं, लेकिन ओहो ऑयल का राज खुल गया तुम्हारा। आज मेथी के पराठे बनने जा रहे हैं, साथ में जो है थोड़ा सा पनीर भी मिक्स करेंगी मैडम अच्छे फ्लेवर के लिए, और यहाँ बनने की तैयारी हो रही है। साथ में जो है और कुछ भी मिलेगा खाने को, और भी कुछ दोगी, हरे पत्ते की चटनी या कुछ सब्जी? यहाँ पे क्या करती है कि हम लोग ना मलाई से खाते हैं पराठे, मलाई चाय पराठे,
इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिलहाल जो है वाइफ मेरी चंगी भली बना रही है हमारी फेवरेट चीज़ें, और वीकेंड्स पर इनको यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं कहाँ खा रही हूँ, आप लोग खा रहे हो? तो गाइज मॉर्निंग में उठ के फैमिली हमारी जो है चालू हो जाती है बच्चों को जगाने के लिए। मेरी वाइफ जो है पूरे जोर लगाती है और बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करती है। तो ये अभी तो खैर पराठे वराठे बना रही हैं, और डेली इनका फैमिली का जो रूटीन होता है वो होता है स्कूल के लिए बच्चे कैसे रेडी करें। अब तो खैर आज आज गया था और अभी कल भी जाएगा, दोनों कल फिर से जा रहे हैं सैटरडे के दिन। तो मैं इन्हें ड्रॉप करूंगा, फिर से वही रूटीन हमारा शुरू हो जाएगा और फिर से हम वही काम कर रहे होंगे। और आपको मैं दिखा देता हूँ, बच्चा जो है होमवर्क अभी तक नहीं किया है रात को पूरा, तो क्या रह गया है पेंडिंग पढ़ाई क्या रह गई, मतलब रिविजन वगैरह। हाँ तो गाइज इसके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा अभी से पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ता नहीं है, जैसा एक स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ही घूमता रहता है, हर वक्त ऐसे ही घूमना फिरना रहता है इसका। इनका भी स्कूल है गाइज, ये भी जाएंगी, और इनके स्कूल के लिए ये देखो पूरे साल इन्होंने ना पढ़ाई की ना लिखाई की। अब जब ये दूसरी क्लास में एंट्री करेंगी एग्जाम देने के बाद, तो इनको शौक चढ़ा है पूरी किताबों को भरने का। जितने भी ये रफ और जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, इनको सबको चाट चाट के रखना है अब इसको। गाइज रात के 2-2 बजे तक इसका यही रूटीन रहता है, ये पढ़ने में इतना ध्यान दिए रखती है, और पता नहीं क्या याद करती होगी, बोलती तो कुछ है नहीं, ऐसे पढ़ी रहती है सन्नाटा सी में। आज तुम बीमार हो? क्यों इतनी बीमार क्यों लग रही हो तुम? पता नहीं। कुछ बात हुई है क्या बीमारी की? कुछ ठंड लग रही है। कुछ रिवील किया है किसी ने? ये क्या आपके फोन पे है? मेरे फोन है तो कैमरा होगा। अरे रेड कलर का है। अच्छा हाँ, क्यों बीमार हो? मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। मतलब क्या, मतलब फील में क्या फीलिंग आ रही है थोड़ा बताएंगे आप? तो गाइज ये 10 मिनट ओ माई गॉड गाइज, लिख खुद रही थी और मेरी वजह से मतलब गलती भी मेरी वजह से है यार। मैं मतलब क्या बोलूं, अगर अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलती हो जाए तो वो मेरी है। एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपकी, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हाँ तो ये मुझे ये दिखा रहा है कि आज घर में रिमोट के सेल आ गए हैं, तो हम टीवी देख सकते हैं चला के आंटियों वाले सीरियल। तो तुम्हें रहा ही नहीं गया होगा आंटी के सीरियल के बिना, है ना? नहीं, मैंने कुछ और देखा। क्या देखा तुमने? मैंने कुछ और देखा। अच्छा बताओ किस लिए रिमोट सेल आए? अनुपमा के लिए आए ना, बता सच्ची सच्ची बता। नहीं, गाने अंग्रेजी के सुनने हैं, धुन अंग्रेजी की बजानी है, लाइफ अंग्रेजी में चलानी है, और हिंदी नाटक देखेंगी अनुपमा। मैं ये करूं वो करूं, क्या क्या था उसका डायलॉग? तुझे क्या 3 to the 6 and AG2। तो यहाँ पे गाय खैर पढ़ाई चल रही है, पढ़ते हुए बच्चे को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, कल मॉर्निंग में जाएंगे। ये मेरा फैमिली मेंबर है, आप इसे ऐसे नहीं कर सकती हैं। अरे मैंने इसको प्यार से उधर खिसका है। क्यों, ये तुम्हें मतलब तुम्हें क्या लग रहे थे, रखा हुआ सामान है जो उधर को खिसकाया है? ये क्या मतलब होता है? मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जितना प्यार तो दुनिया में कोई ना करेगा भैया, पर पता नहीं रेंट देने की वजह से मुझसे मुंह फेरा जा रहा पिछले 3 दिनों से। जब से इन्हें मुझे बताया हो ना, गलती से बता दिया, वैसे ना बताती मोकू। मोकू प्यार करके बस नूही चुप कर दे। क्या ही बताऊँ यारो, आप लोग मुझे सच्ची सच्ची बताना कि क्या मुझे इस बहन जी को माफ़ कर देना चाहिए, रहने देना चाहिए अपने घर में, या ना रहने दूँ? बताओ, मैं बताओ, मुझे बताओ। मैं इशारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं पैर चाटते चाटते बात कर रहा हूँ? डिस्टर्ब क्यों किया मेरे घर में, बोलो। हम आपको उठा के लाए थे बेटा, मैं तो असली हूँ, तो आप अपना ठिकाना ढूंढ लेना, 2 दिन में घर से बाहर निकाल रही हूँ। अच्छा तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, बोर्ड की मेंबर में से निकल जाना यहाँ से, समझ गई? कोई डायरेक्टर ना हो इस घर की। बेटा डायरेक्टर कंपनी में होते हैं, ठीक है? हमें क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें तो इतना पता है प्रॉपर्टी हमारी है। मैं जितने भी कालू मोगली तुलसी टुकली जितने भी हैं, और सारे सब के सब डॉगी मेरे यहाँ रहेंगे इस कमरे में, तुम यहाँ से जाओ। हाँ वो टोकली, उसका नाम मैंने रखा हुआ है। वो कौन है? वो जो उसका हाई जंप आती है। अच्छा अच्छा, वो लहरा के जो चलती है, लहरा के बलखा के चलती है ब्लूटूथ हम। वो जो नया वाला मिला है, मैं भूरू। मैं इनको निकाल के छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा इस घर में इन लोगों को। बेटा किसकी बात कर रहा है? ये इधर वाला। तो यहाँ पे बहस शुरू हो गई है, इनको दोनों को ही पता नहीं है गाइस।
एक गिर जा, मर जा यही, मेरा मकान खाली कर। तो ये गाइस डार्क साइड चल रही है, अभी आपको डार्क साइड भी दिखाई जा रही है साथ के साथ, और ये सिर्फ इसी चैनल पे दिखेंगी, लाठी वाला हिंदी ब्लॉग चैनल। और एक लड़का देखो गेम चला के खड़ा हो गया है, वो वही खाएगा, और ये गला घोटने को तैयार है, डॉगी का कोई ठोक ठिकाना नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो, याद अगर डिसलाइक करने डेली आना है आपको, आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुशी होती कि आप लिखो अधिकार से कि लाठी वाला भैया ये पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, इसे इंक्लूड मत कराओ वीडियो में, या ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी, कुछ तो बोला करो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे तो मुझे नहीं अच्छा, पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है कि आपने डिसलाइक क्यों किया वीडियो, तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक मत किया करो, अगर करना है तो साथ में कमेंट भी कर दिया करो, मुझे पता तो चले किसके मन इतने जले हुए हैं कि मेरी वीडियो को डेली, मतलब 3-4 लोग ऐसे हैं जो डिसलाइक मारते हैं। बने रहिए और देखते रहिए लाठी वाला ब्लॉग, हम फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, जय श्री राम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, शब खैर।